गुलदस्ता भरा गुलाब से और किताबें भरी ख्वाब से, ख्वाबों के दबाव से मुरझाया गुलाब आदाब से। आप सभी को मेरा आदाब। आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो बाजुओं में दम उतना ही रखें जो शुरुआत से है, माना कि आखिर में आए हैं लेकिन मुझ में भी कुछ खास बात जरूर है। तो पेश किया, शुक्रिया। एक कविता पेश करता हूं अभिनंदन के नाम, भारत के पुत्र अभिनंदन के नाम। कि आगाज हुआ था क्रंदन से, आगाज हुआ था क्रंदन से, देश ये देश आ गया था समंजस में। भीड़ जमा थी जनपद पे, लोग उतर पड़े थे अनशन पे। भीड़ जमा थी जनपद पे, लोग उतर पड़े थे अनशन पे। फिर हमला कर आतंकी संगठन पे, एक नया वतन था ये, एक नया वतन था ये। शुक्रिया। अगली सुबह हुई अभिनंदन से, देश के नंदन से। अगली सुबह हुई अभिनंदन से, देश के नंदन से। तलवार लटकी थी, तलवार लटकी थी उनकी गर्दन पे, तभी बुलवा लिया सब समर्थन में। शुक्रिया। ये देख कहीं भरा था रोष बड़ा, तो कहीं भरा था जोश बड़ा। ये देख कहीं भरा था रोष बड़ा, तो कहीं भरा था जोश बड़ा। धैर्य बना वो डटा रहा। जैसे ही अगली शाम हुई, सारी सरहद अभिनंदन के नाम हुई। आखिरकार अभिनंदन की उड़ान कामयाब हुई। शुक्रिया। अच्छा, माता पिता का नाम हुआ तो उन्हीं के चरणों में एक कविता अर्पण की है। कि उंगली पकड़ के मंजिल तक पहुंचा दे, दांत से जिसकी हम चुप्पी से साधे। उंगली पकड़ के मंजिल तक पहुंचा दे, दांत से जिसकी हम चुप्पी से साधे। पहचान अपनी छुपा के नाम हमारा बनाते, पहचान अपनी छुपा के नाम हमारा बनाते। खाली जेब फिर भी ख्वाब हमारे सजाते। एडमिशन के लिए ठोकर खुद है खाते, और प्लेसमेंट में नंबर हम ले जाते। कहीं ना कहीं हमारी कला को समझ ना पाते, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार चमक जाओ तो सबसे जोर से पीठ वो थपथपाते। शुक्रिया। और हम शुरू से आखिर तक साथ निभाते, और हम इस कामयाबी के दौर में उन्हें भूल से जाते। शुक्रिया। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं हर शाम दोस्तों के साथ कॉलेज के बाद चाय और सुट्टे के लिए जाया करता था। दोस्त लोग तो सुट्टा पी लिया करते थे और मुझे चाय से काम चलाना पड़ता था। इन दिनों शाम वो भी आया करती थी। मेरे बहुत करीब से गुजर के चाय वाले से बिस्कुट का पैकेट ले जाया करती थी। फिर कुछ शाम उसके बिना गुजरने लगी, मानो चाय भी फीकी फीकी से लगने लगी। तो उस रात एक ख्याल आया कि कभी तो ख्वाब ऐसा आए कि चाय में डूबे बिस्कुट की तलाश खत्म हो जाए, शुक्रिया, शुक्रिया। तो अंतिम कविता पढ़ने से पहले आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो उसका एक ट्विस्टेड वर्जन लेके आया हूँ, शतरंज की रानी और मैं शतरंज का प्याला। छोटी सी पंक्तियां हैं, वो शतरंज की रानी और मैं शतरंज का प्याला। जगह बनाऊं जरा सी और वो आगे बढ़ जाए हद से ज्यादा, एक अंतिम कविता पढ़ने से पहले एक शेर अर्ज करता हूं कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे न जाने कितने गहरे राज हैं। बेनकाब करो जनाब को तो जानो कितने हश्र बेहाल हैं, अंतिम कविता फिर इजाजत लूंगा कि मैं गुलदस्ता तो मेरा हर एक गुलाब तुम, मैं ढलती शाम तो मेरा महताब तुम,
मैं गुलदस्ता तो मेरा हरे गुलाब तुम, मैं ढलती शाम तो मेरा महताब तुम, मैं कतरा तो मेरा लहू की धार तुम, मेरी महफिल का उपहार तुम, मेरी सोच का आधार तुम, मेरी महफिल का उपहार तुम, मेरी सोच का आधार तुम, मैं कवि तो मेरे अंदर का गुलजार तुम, मैं कवि तो मेरे अंदर का गुलजार तुम। और अंतिम दो पंक्तियां फिर इजाजत दूंगा कि मेरी कलम से लिखा हरे के इजहार तुम, हरे के इजहार तुम। थैंक यू। रिकॉर्ड योर पोएट्री, शायरी, स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन Nojoto app. डाउनलोड द app नाउ।